नाम गोल लगा था नहीं, हम ही राजा रहते नहीं मैच बॉक्स पीछे वीडियो में देखनी हाँ कि जनता सेवा पॉलीक्लिनिक के उद्घाटन भैया पिता काट के पिता कटनी है मुखिया जी एगो क्लिनिक के उद्घाटन में नहीं एमए हुआ क्या मैसेज दे जाए आम जनता के कोविड काल चलता है। सबसे पहले राउर चैनल के माध्यम से 9 वर्ष के पूरा क्षेत्र के जनता के शुभकामना मंगल कामना बा। आज जनसेवा पॉलीक्लिनिक के उद्घाटन के समारोह में हमने आयल बनी सर। कोविड काल में देखते बानी जे कि कौन कौन परिस्थिति से लोग के सामना करे के पता कितना कठिनाई के आई। डॉक्टर साहब के परिवार शुरू से ही जनसेवा के माध्यम से टेढ़ी घाट में भी यहाँ के क्लिनिक बा, एजा भी एक क्लिनिक यहाँ के शुरुआत करनी है। जनता के ये संदेश दिए के चाहे सबनी के जो लोग अपने सहूलियत के हिसाब से एजा आवे, एजा उचित और कम रेट में स्वास्थ्य संबंधी जितना भी इतना जब व्यवस्था बा ओकरा के कम करके रुआ के समाज में ठीक करके भेजल जाए। मैंने इस सेवा के लाभ उठाए, बहुत कम किफायत रेट में। अच्छा, बहुत कम किफायत रेट में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संग बनी मुखिया संघ के अध्यक्ष हरिराम यादव जी आ हुसैन गौ सिंह के अध्यक्ष हैं। अभी अध्यक्ष के जब चुनाव भइल जिला अध्यक्ष के तब काफ़ी घामा गमी रहल बनी लोग। खैर, ए उद्घाटन में नहीं संघ के अध्यक्ष हैं। आ दूसरा तरफ कोविड के लहर चल हम मास्क देखे लगे जैसे कि यूपी बिहार में काम करते हैं तो कन्फ्यूजन में बानी कि कोरोना केने बा एने बा कि होने बा कन्फ्यूजन हमारा रहता ऐसा देखी लगे। खैर, लोग के क्या मैसेज दें जी? सबसे पहले तो रोरा चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद बा। मैसेज ये रही हमने के कि जौन समस्या के सीमान जाए में लाया था, जैसे मान लें कि भीड़ भाड़ के देखते हुए जाम भी बहुत परेशान करता और परेशानी के हल करे खातिर बहुत नज़दीक में हमने के क्लिनिक के ओपनिंग भइल है। आ यहाँ के बहुत पहले से भी सेवा देता टेढ़ी घाट में। आ यहाँ के बात विचार भी अच्छा बा। जी, सबसे बड़ा तो समस्या ये है कि पहले जाए तो 500 रुपया फीस दी, 500 के बाद अपन इलाज कराई ओके बाद दवा ली। वहाँ ये सब यहाँ नहीं खे हो सका तो फीस बहुत कम बा यहाँ पे। आ गरीब लोग कहते बहुत अच्छा बा क्लिनिक। अपना प्रखंड क्षेत्र के जनता के क्या अपील करें? प्रखंड क्षेत्र के जनता के यह अपील करें कि टेढ़ी घाट से बगल भड़ियाई टोला में ये हमारे क्लिनिक खुलल बा, हमने के क्लिनिक खुलल बा, यहाँ पे आके उस सेवा के लाभ उठाई लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात कुछ सुननी आप पीछे आई डॉक्टर साहब से बात करके हम देखाओ तनिक। मैच बॉक्स के टीम आज पहुँचल भी पॉली जनसेवा पॉली क्लिनिक में। ई जोन बा सीवान से मात्र 1 किलोमीटर पहले जुड़कर मोड़ पर बा, यानी अब सीवान जाता नहीं तो भीड़ भाड़ से छुटकारा बा, पहले ही आके इलाज करा ली काहे के भीड़ भाड़ में जाएं। हमारे साथ एक डॉक्टर साहब आने, सबसे पहले सर और परिचय हम जाने के चाहें। मैं डॉक्टर निवेश पांडे। डॉक्टर साहब क्या क्या सुविधा है यहाँ? अपने यहाँ दर्द रहित दांत निकाले की सुविधा बा, दांत बचाव के RCT के द्वारा दांत बचाव की सुविधा बा और इम्प्लांट वगैरह की सुविधा बा। जौन भी अत्याधुनिक सुविधा आज के डेट में डेंटिस्ट्री में बा अपनी के उपलब्ध बा। मुखिया जी बताइए नहीं कि वो शुरू से जनसेवा में रहा पूरा परिवार है जी, हम लोग सभी शहर की ओर भागे ला रहे देहात की ओर भागे तो नहीं, तो हम लोग सोचे कि नहीं गांव के लोग जो हमको पूरी सुविधा नहीं मिल पाता है तो हम सोचे कि नहीं यह पहले व्यवस्था कर जाओ, ऐसा अपन लोग पहले सेवा कर जाओ। हाँ, शहर में तो बहुत सारे डॉक्टर हैं जो पढ़ के अच्छे अच्छे शहर में दूर दूर चले जाते हैं, फॉरेन भी चले जाते हैं, लेकिन हम सोचे नहीं अपने लोगों की पहले सेवा की जाए। हाँ, कितना जरूरी बा दांत के देख रेख? दांत के देख रेख से ओरल कैविटी के जौन बा मुँह के सफाई बहुत जरूरी बा, एक वजह से पेट की भी परेशानी होला, हार्ट की परेशानी होला, ये सब जागरूक करे के बा लोगों के। अगर ये ग्रामीण क्षेत्र के मरीज आवता रहन तो उनका कहती क्या सुविधा बा? उनका कहती बहुत कम में हमने के यहाँ सुविधा बा। हाँ, हम लोग जो है जनसेवा हमने के नाम इस रखले बन के जन के सेवा के भाव से काम करेंगे। तो जनसेवा तो बहुत डॉक्टर लोग रखले बा लेकिन बड़का बड़का कैंची लेके बैठल बा लोग एकदम माने काटो। लेकिन हम लोग पहले से ऑलरेडी क्लिनिक चला रहे हैं तो हम लोग जो है उस भाव से काम करते हैं कि मैं लोगों की सेवा हो। हाँ, इसलिए चलिए मैच बॉक्स की टीम से मिलकर क्वेश्चन लगा बहुत अच्छा लगा आप लोग टीम से मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब बानी सर, सबसे पहले और बहुत बहुत स्वागत बा और परिचय। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सिवान का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो हमने आज स्थापना की जनसेवा डेंटल केयर सेंटर की और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम जो देहात इलाका है उसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सुविधा पहुँचाएँ दंत चिकित्सा का।
और बेहतर तरीके से चिकित्सा हो सके। युवा बानी एगो युवा सब शहर के तरफ जाता, शहर के तरफ मूव करता, ऐसे कि जो हमने की स्थिति आ गई शहर के तरफ मूव करे वाला स्थिति आ गई बा। वो दौर में 21वीं सदी में रहुआ गांव के तरफ आओ तनी, जब कि सिवान से बाहर हुआ जुड़कर नहीं बनी, ये क्या मेंटलिटी है, मैंने क्या सोच के? इसका ये है कि देहात में लोगों तक वो सुविधा जो है वो पहुंच नहीं पाई है और लोग शहर की तरफ जाते हैं क्योंकि यहाँ सुविधा मिल नहीं पाती है। तो हम लोगों ने इसी को उद्देश्य बनाकर यहाँ पर लाना चाहा कि जाकर लोग जो हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को, शहरों में जाना पड़ता है उनको, दूर दूर जाना पड़ता है, तो वो चीज़ आसान हो जाएगी उनके लिए, यहाँ पे लोग आराम से आ पाएंगे और सारी जो लेटेस्ट सुविधाएं हैं, एडवांसेस जितनी डेंटिस्ट्री में आ गई हैं वो सारी हमारे पास अवेलेबल हैं और यहाँ पे आराम से लोग चिकित्सा करा सकते हैं और उनके जितने भी परेशानियां वो दूर होंगी। सर डेंटिस्ट के बात करी जला तो गाँव गाँव में लोग डेंटिस्ट के दुकान खोल के बैठ गई बा, हर जगह दान दो के खींच देता लोग जी। ये हमारे सिर्फ यहाँ नहीं, सारे भारत में ही ये परेशानी है कि लोग जो आजकल क्वैकरी कर करके जो कर रहे हैं उसमें लोगों को और जहाँ फायदा पहुंचेगा उससे तो नुकसान हो जा रहा है, तो उसको हम लोग और ये कैंसर से लेके बहुत बड़ा बड़ा जी और बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं उससे और परेशानियां होती हैं लोगों को, तो इसी चीज़ को और बेहतर करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि जो डिग्री वाले डॉक्टर्स हैं, जो सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनको हम और बोलना भी चाहेंगे, उनसे अपील करना चाहेंगे वो भी देहात में आएँ, रूरल एरियाज़ को सर्व करें ताकि देश में जो हेल्थ की जो अभी कंडीशन हो गई है वो बेहतर हो पाए। बिहार में भी जो आप देख रहे हैं कि आजकल जैसे कंडीशन है वो कंडीशन बेहतर हो पाए, इसलिए देहात में डॉक्टरों का आना ज़रूरी हो गया है। चल स्थिति खराब नहीं है डॉक्टर साहब को नहीं, ऐसे नहीं माना जैसे कि यही जिला के हमार बाबा हैं मंगल बाबा, तो मेरा खराब ना माने बहुत बढ़िया बा, एजा भले रहो जाए तो कुकुर के सुई ना मिलेला, आदमी के सुई मिलल बहुत दूर के बात बा। खैर डॉक्टर साहब जब रात के दर्द होला दांत में तो डॉक्टर कहे ना आवे को तो क्या उपाय बा? घरेलू नुकसान, घरेलू नुकसान यही रहेगा कि आप अगर कॉन्टैक्ट नंबर है तो डॉक्टर का कॉन्टैक्ट करें, उनको गोली कुछ आप दवा जो होती है पेन किलर वगैरह होते हैं वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, नहीं तो फिर उसके लिए घरेलू उपचार में आप लौंग हो सकता है, लौंग के तेल से उससे फ़ायदा होता है, लौंग का तेल लगा सकते हैं, लौंग दबा सकते हैं, या फिर आप नीम वगैरह का कुछ दातुन वगैरह उससे आप कर सकते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें घरेलू उपचार ज़्यादा देर के लिए टिकते नहीं है, उसके लिए आपको एक बार बहुत लोग ऐसे मिल रहा है जब मुँह बहुत स्मेल कर रहा है तो प्रॉब्लम, उसके लिए हमारे पास सुविधा है कि हम अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करके एक मशीन होती है जो कि सफाई करती है मसूड़ों के अंदर तक, गहराई से मसूड़ों की सफाई होती है, उसका ट्रीटमेंट चलता है, प्रोटोकॉल होता है, तो 2-3 हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है, वो सारे वो बद्दू वाला परेशानी, मसूड़ों से खून आना, पस आना, ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कुछ गुटखा खाए वाला भाई लोग भाई जो लोग आते विशेष खबर रहा जी जी कि वो लोग दांत खा के खराब कर लेला, तो लोग क्या उपाय है? उसके लिए यही उपाय है कि वो उनको धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ेगा, उसके लिए भी हमारे पास काउंसलिंग प्रोग्राम है, वो अगर हमसे संपर्क करना चाहे हमारे पास आ सकते हैं, उससे हम लोग उनको कुछ हफ्तों तक कुछ टाइम लगता है 1-2 महीने तक धीरे धीरे करके उनको वो आदतें छुड़वा सकते हैं, सिगरेट हो गया, तंबाकू जो जिस तरीके से भी वो ले रहे हैं उसको धीरे धीरे छुड़वा सकते हैं, वो जब वो छोड़ देंगे तो साथ साथ उसका ट्रीटमेंट भी चलेगा, जो नुकसान उनका हो चुका है ऑलरेडी मुँह में उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, साथ में फेफड़ों में उसका इलाज होता है, उससे हार्ट की बीमारियाँ हो रही हैं, कैंसर हो रहा है, तो लोगों को उसके लिए बहुत ज़रूरी कि जागरूक हों, उसके लिए करके उसको जागरूक करना हम लोग चाहते हैं, मतलब जागरूक करेगा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा दांत जब सफाई कराओ जला बिना नशा पताई के, क्योंकि दांत बहुत येल्लो टीथ होला, टीथ क्योंकि सुन लो मैंने कि येल्लो होला क्योंकि साफ होला, तो येल्लो टीथ में क्या अंतर है? येल्लो टीथ में यही है कि सफाई होती है दांतों की भी, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग मशीन के बारे में आपको बताया, उससे कुछ हद तक पीलापन हट जाता है और ज़्यादा ब्राइटनिंग वाइट जो होता है, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में आपने देखा होगा हीरो हीरोइंस कराते हैं पूरा वाइटनिंग कराते हैं टूथ का, उसके लिए एक अलग सुविधा होती है, ब्लीचिंग बोलते हैं उसे, तो वो भी हमारे पास उपलब्ध है, वो भी हम लोग कर सकते हैं अगर लोगों को जरूरत हो, आवश्यकता हो उसकी, तो ऐसे आवश्यकता उसकी होती नहीं है। तो मैंने शरीर पर दांत पर कितना असर पड़ रहा है? दांत पे उससे असर तो कुछ नहीं पड़ता है, दांत की सफाई हो जाती है, वाइटनिंग हो जाती है, उसे कोई दिक्कत नहीं है बल ब्लीचिंग से। आए दिन सुनने में आता है कि फलाना दांत साफ करे लो ना उनका दिक्कत हो गई पीला पड़ा लगा, तो वो होता है कि अगर मान लीजिए किसी को उसके बारे में उसमें अगर टेक्निक नहीं है उसकी कैसे करना है उस चीज़ को, तो उससे नुकसान ज़्यादा हो जाता है। और क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ पे? आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट दांतों का जो नसों का इलाज होता है वो होता है यहाँ पे, इम्प्लांट्स लगेंगे जो फिक्स दांत लगते हैं जो जड़ों की तरह बिल्कुल असली दांतों की तरह इम्प्लांट्स लगता है, सर्जरी होकर के लगती है, साथ में फिक्स्ड कैपिंग वगैरह, क्राउन रिस्टोरेशन वगैरह, दांत उखाड़ने की सुविधा बिना किसी दर्द के, सब कुछ सारी यहाँ पे उपलब्ध है। चार्ज हम लोग इसीलिए, ये हमारा उद्देश्य था कि हम लोग यहाँ देहात में खोलना चाह रहे थे रूरल एरियाज में, तो इसीलिए उस उन लोगों को ध्यान में रखते हुए हमने चार्जेस को बिल्कुल नॉमिनल रखा है, बहुत ज़्यादा कम रखा है शहरों के, मतलब अगर सिवान शहर ही आप चले जाएं तो उससे बस 1-2 किलोमीटर बाहर है, तो उसमें ही आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा रेट्स में खास करके, और अभी शुरू के 1-2 महीने जो हम लोग खोल रहे हैं इसमें खास के हमारा ये उद्देश्य है कि हम गाँव जाके कैंप लगाएंगे, शिविर लगाएंगे और वहाँ पर लोगों का उपचार करेंगे, उनको ला करके यहाँ पर काउंसलिंग करके उनका इलाज करेंगे, ताकि लोगों में जागरूकता है नहीं, लोगों में एडुकेशन है नहीं, तो एडुकेशन देना पड़ेगा कि दांत का मुँह का मुख का कितना बड़ा उसमें रोल है पूरे बॉडी के हेल्थ में,
आपके मुख से ही सारा खाना जाता है अंदर, तो वहीं पे परेशानी रहेगी, वहीं बीमारी रहेगी। दांतों में कई बार दांतों की बीमारी की वजह से हार्ट में बीमारी हो जाती है, बैक्टीरिया चला जाता है अंदर से बीमारी हो जाती है। तो लोगों के अंदर ये सब एडुकेशन नहीं है, तो ये एडुकेट करना हमारा काम है। और इसी के लिए इसी के तहत ये उद्देश्य हमारा, इसीलिए हमने जन सेवा डेंटल केयर सेंटर की स्थापना की है। अभी कोविड काल चलता चल ही रहो, मास्क लगे गए हम लगे गए, दूरी काफ़ी बा, तनी मनी कम बा, ओमिक्रॉन के खतरा बा, तीसरा लहर आ गया बिहार में, तो बाकी लोग के क्या मैसेज देने के चाहे? हम एहतियात ही रखना, इसका सबसे बड़ा उपचार ये कि एहतियात रखें, लोग मास्क पहने, दूरी बना के रखें और हाथ सफाई रखें, इन सब चीज़ों को। ऐसे मास्क का भी एक नया रिसर्च आया कि मास्क में ऐसा नहीं है कि मास्क पहनेंगे तो आप बच ही जाएंगे उससे, तो उसके लिए ये कि आप दूरी बना के रखें, बेहतर हाइजीन मेंटेन करें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखें, खाना पीना अच्छा खाएं, नींद अच्छी लें, चलें फिरें, काम करें, एक्सरसाइज वगैरह करें, अपने फेफड़ों को मजबूत करें। और यही शुभकामनाएं हैं लोगों को कि भाई लोग अपना इसको बचा के रखें और बचें। हमने की टीम से खासतौर पर मैच बॉक्स की टीम से मिलकर कैसा लगा? मैच बॉक्स नहीं, मैच बॉक्स का वही है, चल रहा है बस भाई। मेरा चैनल से मिलकर कैसा लगा? चैनल आपका बहुत अच्छा है, बेहतरीन है। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब से। तो सही बात बात, झोरा छाप से बची लोग ना, तो झोरे छाप लो बीमारी बिगार होता। खैर का कहें, कोविड काल में तो झोरे छाप को बची लो सन। खैर ये मंगल बाबा के जिला हो, रिपोर्टिंग कर सकते मैच बॉक्स पर। अगर अभी तक मैच बॉक्स के सब्सक्राइब नहीं करे तो कर ली, अगर फेसबुक पेज पर तो पेज के लाइक करी, फॉलो करी। अब वीडियो के दबा के बढ़ाई, जैसे कि ठंडा आ गया, काम करे का मन करत नहीं है, वीडियो चलत नहीं है, तो दबा के बढ़ाए ना, तो हमारे काम करे में मजा आई। वीडियो लगा दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैचबॉक्स न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गांव-गांव में जाके, शहरों के इलाकों में, हर जगह जा करके लोगों को जागरूक करने का इनका काम है। और इनको सब्सक्राइब करें और डेली नई नई न्यूज़ और ये सब जो है अपना पाएं अपने टीवी स्क्रीन पे या अपने मोबाइल स्क्रीन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।